हाँ तो भाई फाइनली स्मैकडाउन हो चुका खत्म। और भाई आज आखिरकार ना हमको कोडी रोड का नेक्स्ट चैलेंजर भी मिल चुका है उनकी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पीएलई शो के लिए। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबा नाम है। खैर दोस्तों, शो की स्टार्टिंग हमको स्मैकडाउन के जीएम निक एल्डिस करते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले ना ये स्मैकडाउन पर वेलकम करते हैं और उसके बाद ये कोडी रोड को कॉल आउट करते हैं। दोस्तों कोडी रोड की एंट्री होती है और क्राउड की तरफ से ना इनको काफी तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था। दोस्तों कोडी रोड के रिंग में आते ना निक एल्डिस सबसे पहले ना इनको बैकलैश की विक्ट्री को लेकर कांग्रेचुलेट करते हैं। और फिर इनका कहना है ना कि अब अगला जो पीएलई है वो सऊदी में होने वाला है, जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग है। और आप कोडी रोड एक फाइटिंग चैंपियन है, जिसके लिए ना अब आपको अपनी इस टाइटल को ना उस इवेंट में भी डिफेंस करना होगा। और इसके लिए आपको चाहिए एक तगड़ा चैलेंजर, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज कैजुअली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी रोड का चैलेंजर ही डिटरमाइन कर लिया था। और भाई ये कोई और नहीं बल्कि यूएस चैंपियन लोगन पॉल थे। जी हाँ दोस्तों, और ये चीज ऑफिशियल भी हो चुकी है भाई कि कोडी रोड लोगन पॉल के अगेंस्ट जाने वाले अपनी टाइटल को डिफेंड करने के लिए। इसके बाद दोस्तों हमको इनके भी स्ट्रेस टॉक देखने को मिलती है, जहां पर भाई लोगन पॉल ना चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच वाला आइडिया भी रखते हैं सऊदी के शो के लिए। जी हाँ दोस्तों, और कोडी रोड को भाई ये कहना है कि ये आइडिया तो मुझे भी पसंद है, क्योंकि जब मैं यूएस चैंपियनशिप को जीतने वाला हूँ ना तो मैं बन जाऊंगा ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो भाई शायद एक और चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच अब देखने को मिलने वाला है। उसके बाद तो भाई लोगन पॉल ना खुद को लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन भी बताते हैं, जो कि यूएस चैंपियन है ये इस वक्त, और बड़ा अट्रैक्शन भी कंपनी का और एक सफल सुपरस्टार भी। लेकिन दोस्तों उसके बाद लोगन पॉल एक तरीके से भाई कोडी रोड को ट्रोल भी करने लग जाते हैं कि भाई तुम 2023 में रॉयल नंबर तो जीते थे, लेकिन तुमसे ज्यादा चर्चा तो मेरा और रिकोशे का जो फ्लाइंग मूव था ना वो था। रेसलमेनिया में तुम जीते, लेकिन उसके बावजूद मेरा और आइशो स्पीड का ही मोमेंट ज्यादा चर्चा में था। तो भाई लोगन पॉल तो कोडी रोड को याद दिला रहे थे कि भाई चैंपियन तो तू जरूर है, टॉप वाला, लेकिन चर्चा का विषय तो यही है सिर्फ। इसके बाद तो भाई ये कोडी रोड को वार्निंग भी दे देते हैं कि सऊदी में मैं अपने इसी प्राइम वाले लोगों पर हराऊंगा, बन जाऊंगा न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। लेकिन दोस्तों इसके रिप्लाई में कोडी रोड को भी कुछ कहना था, और भाई इनका कहना ना कि तुमको यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम फ्लाइट मेवेदर से लड़ चुके हो, आप अपने चौथे या पांचवें मैच में शायद यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन गए थे, और आप खुद को बहुत आगे भी रखते हैं, और आपको हर एक मैच में ब्रास नकल की जरूरत होती है। और यहाँ पर दोस्तों लोगन पॉल का रिएक्शन देखने लायक था। उसके बाद लास्ट में दोस्तों कोडी रोड सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि अब सऊदी अरब में आपको पता चल जाएगा कि आप किस जगह पर खड़े हैं। उसके बाद दोस्तों ये दोनों लोग एक साथ अपनी चैंपियनशिप को रेस करने लगते हैं, और ये सेगमेंट फिर वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई मैच तो कैजुअली ऑफिशियल हुआ, लेकिन काफी बैंगर मैच जरूर हो सकता है इनके बीच में। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर आता है क्वीन ऑफ द रिंग के लिए पहला क्वालिफाइंग मैच नाया जैक्स वर्सेस नियोमी के बीच। ये भी मैच दोस्तों शानदार ही था और ज्यादा लंबा भी नहीं था, क्योंकि नाया जैक्स काफी आसानी से नियोमी पर एनएल आइटर लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है और खुद को नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है किंग ऑफ द रिंग के लिए ना पहला राउंड बैरन कॉर्बिन वर्सेस कार्मेलो हाइस के बीच। इसमें भी भाई कोई शक नहीं है, ये भी मैच काफी शानदार था, बल्कि दोस्तों कॉर्बिन की तरफ से ना डेथ वैली ड्राइवर और सुप्लेक्स भी आता है, लेकिन भाई कार्मेलो इस पर किक आउट कर देते हैं। लेकिन मैच के क्लोजिंग मोमेंट में ना भाई बैरन कॉर्बिन ना काफी तगड़ी क्लोज लाइन लगाता है, फिर बैक साइड से सुप्लेक्स भी, और यहाँ पर लगा भाई जीत गए कॉर्बिन, लेकिन कार्मेलो इस पर किक आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब बैरन कॉर्बिन एंड ऑफ डेज के लिए जाते हैं ना, कि तभी दोस्तों कार्मेलो कार्बिन को ना रोल अप के सारे पिन करके मैच में विक्ट्री लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्मेलो हाइस को मिल चुकी इस मैच में विक्ट्री। भाई बैरन कॉर्बिन का पहला मैच था ये स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट होने के बाद, और जीतने के जगह भाई मिली इनको क्या हार। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को तो अलग ही पता नहीं क्या चलता रहता है इनका, फिर से भाई इनको मिल चुकी है बैरन कॉर्बिन को हार। खैर दोस्तों उसके बाद बैक स्टेज हमको रैंडी ऑर्टन को दिखाया था, जहां पर दोस्तों ये खुद को ना किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को जीतने को लेकर बात तो करते ही हैं, लेकिन भाई इन्होंने ना टैमा टोंगा को भी वार्निंग दे दिया कि इन्होंने जो केविन ओवेंस के साथ किया था ना बैकलैश में, उसका ये बदला जरूर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ब्लड लाइन की स्टोरी अभी भी कंटिन्यू रहने वाली है रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के साथ। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है एक और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई मैच जेड कारगिल वर्सेस पाइपर नेवन के बीच। ये भी मैच दोस्तों काफी शानदार था, बल्कि शुरू में दोस्तों ये दोनों लोग ना अपनी अपनी ताकत दिखा रही थी कि कौन पहले किसको नीचे गिरा था। भाई जेड कारगिल तो जेड कारगिल है, वही ऐसा करती है, और मैच के लास्ट मोमेंट पर भाई ये काफी शानदार तरीके से पाइपर पर जेडेट लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री लेती है और खुद को नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई। उसके बाद दोस्तों हमको एक और क्विंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई मैच देखने को मिलता है बियंका ब्लेयर वर्सेस कैंडिस लैरी के बीच में। ये भी मैच दोस्तों काफी प्रेडिक्टेबल ही था, जेड कारगिल जीत ही चुकी थी, तो बियंका ब्लेयर भी लास्ट में कैंडिस पर ना क्योरी लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री लेती है,
और ये भी भाई अब खुद को कर चुकी है क्वालिफाई नेक्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद दोस्तों बैक स्टोरी हमको दी ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिलता है। और भाई अब तो जब भी लोग सोलो सिकोवा को देख रहे हैं ना, उनको रोमन रेंस की याद आ जा रही है, क्योंकि भाई सेगमेंट ये बैक स्टोरी का है और एरिना में वी वन रोमन के अलग ही काफी तगड़े तगड़े चैंट्स लग रहे थे। खैर दोस्तों आज सोलो सिकोवा पॉल हेवन से बोलते ना कि आपने झूठ बोला कि रोमन रेंस ने अपना नाम ड्राफ्ट से ले लिया था और आपने अभी तक रोमन रेंस से बात भी नहीं की है। लेकिन मैंने किया है, जी हाँ दोस्तों। और यहाँ पर भाई पॉल हेवन ये चीज सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, यानी भाई सोलो सिकोवा ने पॉल हेवन को ये क्लियर कर दिया कि रोमन रेंस से उनकी बात हो चुकी है और इन्होंने उनसे बोला ना कि जब तक ये वापस नहीं आते ना, तब तक सोलो सिकोवा ब्लड लाइन को इंचार्ज रहने वाले हैं और पॉल हेवन आपको मेरा वाइस मैन। इसके बाद तो भाई सोलो रोमन रेंस के अंदाज में ना पॉल हेवन को गले लगाते हैं और फिर ये सेगमेंट वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई अब देखते हैं क्या सही में सोलो की बात रोमन से हुई भी है नहीं। खैर दोस्तों उसके बाद ही हमको टेमा टोंगा एक्शन में दिखते हैं अगेंस्ट एंजेला डॉकिंस से किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग मैच में। दोस्तों मैच शुरू होते ना टेमा टोंगा भाई डॉकिंस पर अटैक करना चालू कर रहे थे, मतलब भाई ये पूरा जैसे चार्ज होकर आए हुए थे। बल्कि दोस्तों मैच में ना सोलो सिकोवा का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, लेकिन डॉकिंस इनको भाई रिंग एप्रॉन से नीचे गिरा देते हैं और इतने में भाई ना मोंटेस फॉर भाई डाइव लगा देते हैं सोलो सिकोवा टेंगा लोअर पर। लेकिन दोस्तों ज्यादा देर तक मोंटेस भी ब्लड लाइन को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके बाद तो भाई सोलो सिकोवा और टेंगा लोअर मिलकर भाई मोंटेस पर समोन स्पाइक लगा देते हैं और इसी में ना दोस्तों डॉकिंस का ध्यान भटक जाता है और टेमा टोंगा डॉकिंस पर फ्लैट नाइनर लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं और खुद को इस टूर्नामेंट के नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई। मैच के बाद भाई अटैक कंटिन्यू रहता है, बल्कि सोलो सिकोवा भाई डॉकिंस पर समोन स्पाइक लगा के उनको वहीं ढेर करके चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है मेन इवेंट मैच किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच में। दोस्तों इस मैच की क्या ही बात करूं, मतलब इस मैच को टाइम भी लंबा ही मिला था और ये मैच दोनों लोग ने डिलीवर करके भी दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाई आप मैच एक बार जाकर देख लीजिएगा, काफी क्लासिकल मैच था ये। बल्कि दोस्तों मैच में ना रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल पर एक नहीं बल्कि तीन तीन जगह भाई साइड स्लैम लगाते हैं, बैरिकेड पर, रिंग एप्रॉन पर और अनाउंसर टेबल पर भी। लेकिन भाई मैच के दरमियान ना रैंडी ऑर्टन के पैर में कहीं ना कहीं तो चोट लगी थी, जिसके वजह से दोस्तों इनको मैच में कम बैक करने में वक्त लग रहा था। लेकिन भाई एजे स्टाइल तो इनको पैर को ही टारगेट कर रहे थे बार बार। बल्कि दोस्तों उसके बाद रैंडी ऑर्टन कैसे ना कैसे करके कम बैक करते हुए ना एजे स्टाइल पर मल्टीपल क्लोज लाइन लगाते हैं, लेकिन विंटेज ऑर्टन डीडीटी के टाइमिंग को ना सफलता नहीं मिलती है। लेकिन भाई आज पूरे मैच में ना रैंडी ऑर्टन को काफी तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था क्राउड की तरफ से, मतलब भाई एजे स्टाइल तो जैसे मैच में है ही नहीं, इतना समझ लिए बस। खैर दोस्तों उसके बाद एजे स्टाइल रैंडी ऑर्टन को काफ क्रशर में भी होल्ड कर लेते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन उसमें से निकल कर एजे स्टाइल पर काफी शानदार पावर स्लैम लगा देते हैं, लेकिन पिन फॉल के टाइम एजे स्टाइल इस पर किक आउट कर देते हैं। लेकिन मैच के क्लोजिंग मोमेंट पर दोस्तों ऑर्टन एजे स्टाइल पर विंटेज ऑर्टन डीडीटी लगाने में आखिरकार कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आरकेओ के टाइम भाई एजे स्टाइल काउंटर करते हुए ना ये ऑर्टन पर पंच लगाते हैं और फिर फिनोमिनल फोरआर्म भी। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर तो भाई काफी क्लोज फॉल था, लेकिन रैंडी ऑर्टन रोप टच करके ना पिन को ब्रेक करवा देते हैं। लेकिन इसके बाद लास्ट में दोस्तों जब एजे स्टाइल स्टाइल क्लैश के लिए जाते हैं ना, तो भाई अचानक से ही रैंडी ऑर्टन उनके ऊपर आरकेओ लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं और खुद को नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई। जी हाँ दोस्तों, एक और हार एजे स्टाइल के लिए। उसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन सेलिब्रेट करते हैं और स्मैकडाउन फिर वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई मेन इवेंट तो काफी तगड़ा था, लेकिन भाई आजकल कोई ऐसा एंगल नहीं दिखाया जा रहा है जिससे कि नेक्स्ट शो के लिए एक्साइटमेंट बनी रहे। खैर दोस्तों वैसे आपको कैसा लगा था आज का स्मैकडाउन, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।